भाजपा की चिंतन बैठक समाप्त। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। आगामी चुनावों के कार्यक्रमों के साथ रणनीति पर की गई चर्चा। उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोविड कर्फ्यू की संशोधित मानक परिचालन कार्यविधि। चारधाम यात्रा अग्रिम आदेशों तक स्थगित। उत्तराखंड के रामनगर में आज से पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट पार्क। पुरानी व्यवस्था के अनुसार होगी जंगल सफारी। झिरना, बिजरानी और गर्जिया जोन में कर सकेंगे भ्रमण। नैनीताल में महंगाई को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल में बेतहाशा वृद्धि से नाराजगी। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन का 23 करोड़ तत्काल जारी करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के मामले पर की सुनवाई। देहरादून में भगवान के दर्शन को खुले मंदिरों के कपाट। कोरोना के चलते करीब 2 महीने से बंद थे कपाट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रामनगर में भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर रोडमैप तय किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी चुनावों के कार्यक्रमों के साथ रणनीति पर चर्चा की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2022 के चुनावों में जाने को लेकर सभी तैयारियों पर बातचीत की गई। इस बैठक में अपनी तैयारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकाल के ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई जिनसे राज्य को नुकसान पहुंचा। 2017 के बाद राज्य को भाजपा ने विश्वास दिलाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य की नीतियों के बारे में चर्चा की गई है। 3 दिन की बैठक में 70 विधानसभा में 70 पूर्णकालिक बनाए जाएंगे। रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की गई है। जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति आयोजित की जाएगी। अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी सर और उनका समय मार्गदर्शन मिला और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी जो आगे का ये पूरा नेटवर्क और तैयारियां उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। परसों कल और आज 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है उससे अवगत भी कराया गया है। हम लोग 2022 के चुनाव में जाने के साथ साथ और हमने 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें इस लक्ष्य को रखकर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी और अपना सारी तैयारी की है। मई महीने से कोरोना महामारी के चलते बंद कॉर्बेट पार्क मंगलवार से पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं। पर्यटकों के आमद को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने ये फैसला लिया। आपको बता दें कॉर्बेट पार्क मई में सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए थे। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने कुछ दिन पूर्व 60,000 से अधिक सैलानियों का बुकिंग का करीब 1 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। अब कोरोना के मामले कम होने पर कॉर्बेट प्रशासन ने पार्क खोलने का फैसला लिया है। हम इस बार राज नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, विशेष के कोरोना महामारी में और जो गाइडलाइंस प्रदेश सरकार की कोरोना को लेकर होगी उन गाइडलाइंस के साथ हम अपने दोनों पार्कों को 12 महीने खोल के रखेंगे जिससे कि एक बार फिर से होटल इंडस्ट्री और जो लोगों का रोज़गार एकदम ठप जैसा हो गया है, बैंकों की देनदारी है लोगों की काफ़ी और बहुत लोग बेरोज़गार इसके कारण हो गए क्योंकि
अकेले रामनगर में एक एक होटल में 200 लोग काम करते हैं, तो उससे जो काफ़ी नुकसान है उस सबकी के लिए हमने ये योजना हमने बनाई। गन्ना एवं विकास संस्थान ने अधिकारियों की बैठक में मंत्री जी के तल्ख तेवर देख अधिकारी भी दंग रह गए। गन्ना राज्य मंत्री यतीश्वरानंद ने यहां अधिकारियों के साथ बैठक में कड़े निर्देश देते हुए किसानों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की बात करते हुए अधिकारियों को नसीहत दी। किसी भी अधिकारी को लापरवाही पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गन्ना राज्य मंत्री यतीश्वरानंद ने काशीपुर में गन्ना एवं विकास संस्थान में गन्ना अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक भी की। कितना बड़ा हो कितना छोटा माफ नहीं करेंगे, बख्शेंगे नहीं। हमारे लिए प्राथमिकता है किसानों को सुविधा देना, किसान खुश रहे, बस पहली प्राथमिकता हमारी है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रतिमाह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-1800-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। पिटारा खजाना खास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया की मौजूदगी में आप प्रवक्ता द्वारा आप पार्टी पर लिखे और गाए गए एक गाने का विमोचन किया गया, जिसमें आप प्रभारी समेत आप प्रवक्ता और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान गाने के विमोचन पर आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने आप प्रवक्ता को पार्टी पर गाना लिखने और गाने पर उन्हें बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में आप पार्टी के प्रति बेहद उत्साह देखा जा रहा है। अरविंद आनंद जी ने एक सॉन्ग जो लिखा है आम आदमी पार्टी के लिए, उसका आज लॉन्च था। मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खुद ही गाना लिखा भी है और गाया भी है, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार की उत्साह और एनर्जी मैं देख रहा हूं, वो निश्चित तौर पे 2022 के चुनावों में एक बड़ा बदलाव का संकेत है। मैं पुनः अरविंद आनंद जी को बधाई दूंगा और साथ ही साथ ये कहूंगा कि जिस तरह की एनर्जी आज दिखाई दे रही है, ये एनर्जी लगातार 2022 तक बने रहनी चाहिए। यहाँ सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि क्योंकि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, और मैं शुभकामनाएं देती हूँ श्री रविंद्र जी को कि बहुत अच्छा गीत बना है, और क्योंकि आज आम आदमी की जो परेशानी है, आम आदमी की जो समस्याएं हैं, वो इस गीत में कहीं ना कहीं उजागर होती हैं। कहीं ना कहीं जो है सभी लोग एकजुट होकर के चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो उत्तराखंड में,
और हो सकता है, ये देखिए जनता के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का बदलाव जनता चाहती है और किस तरह का बदलाव उत्तराखंड में होने जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं गीत की बहुत बहुत बधाई दूंगी क्योंकि मैं गीत की लॉन्चिंग के समय पर यहाँ पर उपस्थित थी और बहुत सुंदर गीत बना है और गीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। कभी अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुनाने वाले और सरकार के ही मंत्रियों पर तीखे प्रहार करने वाले हरिद्वार ग्रामीण के विधायक और गन्ना राज्य मंत्री यतीश्वरानंद अब अपनी ही बातों पर कैसे यू टर्न मार रहे हैं। कभी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ जमकर जहर उगलने वाले यतीश्वरानंद जब खुद सरकार में मंत्री पद पर आसीन है और जिनके खिलाफ कभी जमकर वाक युद्ध किया करते थे वो संगठन के शीर्ष पद पर हैं। अपने स्वर बदलते हुए पुराने शब्दों के बाड़ों से मुकरते हुए यू टर्न लेकर पूरे मामले को पलटकर मीडिया के सामने अपनी सफाई दे रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं किया कि मदन कौशिक जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी सीबीआई जांच करी जाए। वो एक संस्था को लेकर मुद्दा था, एक गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर। लेकिन मैंने ये भी कभी नहीं किया कि उन्होंने जमीन बेची है, खुद बुद्ध करी है। वो एक सोसाइटी को लेकर ट्रस्ट का मामला था, वो बात हमारी हो गई है, वो सारा निपटारा हो चुका है। ताल से है जहां कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में पेट्रोल डीजल के साथ ही खाने के तेल में बेतहाशा वृद्धि से जनता त्रस्त है। प्रदेश के साथ साथ देश भर में बेरोजगारी चरम पर है। स्वयं को जीरो टॉलरेंस की सरकार बताने वाली भाजपा सरकार में कुंभ जांच घोटाला, पुस्तकालय जैसे बड़े घोटाले सामने आए हैं। अगर समय रहते सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकामयाब रहती है तो कांग्रेसी कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार जो नीतियां चला रही है इससे हमारे नई आने वाली से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप देखिए खाने का तेल भी 200 पहुंच गया है, पेट्रोल डीजल के दाम से सारे लोग त्रस्त हैं, खाने का तेल जो है वो भी 200 के पार हो गया है। तो महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चे बेरोजगार हैं। ये भाजपा सरकार खाली मन की बातें तो कह रही है लेकिन जनता की बातें नहीं सुन रही है। चंडी घाट स्थित प्राचीन काली मंदिर के सामने से मां सिद्ध पीठ चंडी देवी पुराना पैदल मार्ग के नवीनीकरण में जीवन उद्धार के लिए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा पत्र भेजकर सिद्ध पीठ मां चंडी देवी प्राचीन पैदल मार्ग का पुनः निर्माण की मांग के साथ वन प्रभाग द्वारा जड़ी बूटी, हर्बल व फलदार वृक्षारोपण किए जाने की मांग की है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट यानी मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू पेपर, रुई, ड्रेसिंग जिस पर मरीज का खून लगा हो या फिर मरीज के संपर्क में आई कोई भी चीज जिसे फेंका जाना हो का निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को कोविड की चपेट में आने से बचा सकता है। मरीज के बायोमेडिकल वेस्ट को या तो होम आइसोलेशन किट में दिए गए पीले बैग में डालकर अथवा दोहरे बैग में डालकर उस पर लेबल लगाकर नगर पालिका या फिर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में ही दे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर मरीज के बर्तन डिटर्जेंट से धोकर और कपड़े, चादर, तौलिए आदि 60 से 90 डिग्री गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। कोविड मरीज की देखभाल करने वाले के बायोमेडिकल वेस्ट को भी अखबार में लपेटकर 72 घंटे तक रखने के बाद नष्ट करके ही घरेलू वेस्ट के साथ निपटाना चाहिए। कोविड-19 से देश को बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। कोरोना को फैलने से रोकने की है उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी।
चिप्सीज दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की जयंती पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में लगातार आयोजित किए जा रहे वैक्सीनेशन शिविर में भारत विकास परिषद ने अपना सहयोग दिया व कैंप में सेवा दे रहे डॉक्टर्स एनएम व रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को सम्मानित किया। वहीं प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेश कसल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्य व डॉक्टर्स बधाई के पात्र हैं जो कि बेहतरीन ढंग से लोगों को अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से और भारत विकास परिषद के सहयोग से। हमारा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जो है हमने ये वैक्सीनेशन कैंप को यहाँ पर आयोजित किया है और लोगों से उम्मीद करते हैं कि 18 प्लस के लोगों को जो भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि प्रत्येक नागरिक को जो है वैक्सीनेशन कैंप के द्वारा वैक्सीन लगे कोविड की और हमारा देश जो इस बीमारी से जूझ रहा है वो उससे राहत पाए। उसी के अंतर्गत आज हमारी संस्था ने यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप में अपना सहयोग दिया है। पौड़ी जिले में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़े एहतियात बरतते हुए अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है जिससे बच्चों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का पता लगाया जा सके। तो बच्चों को लेकर स्वास्थ्य विभाग बेहद चिंतित है और लगातार उसका प्रयास है कि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। बात करेंगे अगली खबर की। गंगोली घाट के पूर्व विधायक कांग्रेस प्रदेश महासचिव नारायण राम आर्या ने बेरीनाग में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार को पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया विकास काम नहीं हुआ है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत बेरीनाग विकास खंड में 2 ITI कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोल जो है पूरे देश में ही इस डबल इंजन की सरकार फेल है। जो 5 साल तक कांग्रेस शासन में इस गंगोली हाट को एक विकास की गति देने का हमने प्रयास किया था। बेरीनाग में हमने रांची पॉलिटेक्निक खोला था, वो पॉलिटेक्निक भी बंद होने के कगार में है। आपके सहयोग से उस बंद पॉलिटेक्निक को संचालित करने में आपने जो सहयोग दिया उसी के आधार पर वो आज चला है, वरना शायद वो भी बंद हो जाता। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। इस दौरान आप युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कार्यकर्ताओं को उनके दायित्व सौंपे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए दिग्मोहन नेगी ने बताया कि कार्यकारिणी में कुल 24 कार्यकर्ताओं को युवा मोर्चा के दायित्व का पदभार सौंपा गया है। इस कार्यकारिणी में लगभग 24 लोगों को हमने शामिल किया है जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव और प्रदेश प्रवक्ता को हमने नियुक्त किया है। 2022 के चुनाव में मुझे लगता है कि युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उत्तराखंड में 59% वोटर युवा वोटर है और ये युवाओं का प्रदेश भी कहलाता है। 20 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर युवाओं ने लगातार हमारे साथ जुड़ना शुरू किया है और बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी में युवा सम्मिलित हो रहे हैं।
चाहे वो कांग्रेस पार्टी के संगठनों से आने वाले युवा हों, भारतीय जनता पार्टी के संगठनों से आने वाले युवा हों, या सामाजिक क्षेत्र व अन्य जगहों से आने वाले युवा हों। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डीजी हेल्थ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मौजूद कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रेमनगर राजकीय सहित चिकित्सालय सभी क्षेत्रों के लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रमुख समस्याएं अस्पताल को लेकर सामने आई हैं उनमें सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन की कमी बताई जा रही। प्रेमनगर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के उच्चीकरण की मांग को लेकर डीजी हेल्थ से हमने मुलाकात करी है। हमारी ये मांग है जो प्रेमनगर का जो हॉस्पिटल है इसको 100 बेड का हॉस्पिटल किया जाए। पहले इसका प्रस्ताव भी शासन को जा रखा है लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने ये भी मांग करी है कि इसके हॉस्पिटल के साथ में जो रेशम विभाग की जो जमीन है उसको सरकार अधिग्रहण करे और इसको 100 बेड का हॉस्पिटल करे। यहाँ पे जो समुचित व्यवस्था नहीं है व्यवस्था यहाँ पे करे। MRI मशीन यहाँ पे नहीं है, सिटी स्कैन मशीन यहाँ पे नहीं है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे लोगों के नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण लोगों को दर बदर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।